हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु। जो फ्रेंड्स, यहां पर मैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर आया हूं और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो है दिल्ली पुलिस भर्ती को लेकर छात्रों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहां पर DCP और ACP द्वारा इसको जारी किया गया है, उनके जो है रजिस्टर्ड किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खुशखबरी आपको लेकर आया हूं, जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। छात्रों का इंतजार जो है यहां पर खत्म होने वाला है। तो चलिएगा फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। फ्रेंड्स मैं इसमें बताने वाला हूं कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2012/2019। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो है मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पर जो है बोला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो बता देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हुआ है, सिग्नेचर आप देख सकते हैं DCP और ACP के भी सिग्नेचर यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं DCP और ACP देख सकते हैं वेरीफाई हुआ है। और यहाँ पर जो है किस तरह से जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सभी कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का मोड बताया गया है, किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी CBT एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए जो फिजिकल होगा और जो मेडिकल होगा उसके लिए आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके बाद आपका जब मेडिकल फिजिकल हो जाएगा उसके बाद छात्रों की मेरिट जो है लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन की बात की हुई है, 15% जो है SC छात्रों के लिए, 7.5% यहाँ पर जो है SC छात्रों के लिए, 27% OBC छात्रों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। EWS के लिए 10%, यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10% का यहाँ पर जो देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेल छात्र जो भी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मेल फीमेल सभी के लिए सेम रहने वाली है। हायर सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपका होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपका इंटर जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है रिलैक्सेबल अप टू 11 पास ओनली फॉर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है बैट्समैन जो है, बंगलर जो है, माउंटेड कांस्टेबल, ठीक है, ड्राइवर है, डिस्पैच राइडर है, एक्सेक्टर है दिल्ली पुलिस ओनली में, ठीक है, सन ऑफ सर्विंग, सभी कुछ यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो देख सकते हैं आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस की बात यहां पर की गई है, ड्राइवरी लाइसेंस आपका DL होना चाहिए फॉर LMV मोटरसाइकिल और कार दोनों का यहाँ पर जो है होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया मोटरसाइकिल या कार किसी एक का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लर्नर लाइसेंस आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो सबसे पहले आपका लर्निंग जो है लाइसेंस बनता है, आपके एक पेज दिया जाता है A4 साइज का, उस पर आपका लर्निंग होता है। ठीक है, लेकिन जब आप लर्निंग के बाद जब हैवी कराते हैं तो उसके बाद आपका एक कार्ड बन जाता है जिस पर आपका फोटो भी चस्पा हो रखा होगा। ठीक है, तो आपका जो लर्निंग वाला होगा वो आपका यहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 15 वर्ष छात्रों की एज होनी चाहिए। उसके बाद ST छात्रों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, SC और ST वालों के लिए जो बिलोंग करते हैं कैटेगरी से उनके लिए। उसके बाद 3 वर्ष की छूट जो छात्र OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट यहाँ पर देखिएगा जो स्पोर्ट्समैन जैसे वगैरह यहाँ पर होंगे उनके लिए दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है, आगे जो कुछ भी दिया है मैं आपको सभी कुछ बता देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिजिकल की बात यहाँ पर की गई है, स्टैंडिंग ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कांस्टेबल, जो मेल छात्र रहेंगे उनके लिए क्या हाइट जो है उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर भी दिए हुए हैं हिल एरिया में, जो छात्र रिलेटेड जो हिल एरिया से हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर दी हुई है इतने, यानी कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर
मणिपुरी है, त्रिपुरा है, मिजोरम, ये सभी यहाँ से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं सभी। इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं किसी राज्य वाज्य से तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर छात्रों की हाइट होनी चाहिए। एसटी छात्र जो रहेंगे उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और उनकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई एमटीएस दिल्ली पुलिस में है और उनका बेटा होता है, बेटे ने उनका जो है फॉर्म डाला है, तो उसके लिए 5 की छूट 165 सेंटीमीटर उसका भी होना चाहिए। यहाँ पर चेस्ट की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और यहाँ पर फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर का चेस्ट आपका होना चाहिए। मिनिमम जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए आपको, ठीक है। ज़्यादा फुला देते तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हिल एरिया के 5 सेंटीमीटर का रेसिडेंशियल है, यहाँ पर एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका किसी का सन या बेटा बेटा कोई है लग रहा है तो उसके भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यहाँ पर क्वालिफाइंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल और मेल एंड कैंडिडेट्स द एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी अंडर, यहाँ पर देख सकते हैं उम्र आपकी अप टू यहाँ पर 30 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। रेस की अगर बात की जाए तो 1600 मीटर रेस है आपकी जो 6 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है यहाँ पर। उसके बाद जो छात्र 30 से 40 वर्ष की जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो 30 से 40 वर्ष के बीच में है उनके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर रेस, 13 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच यहाँ पर हाई जंप। जो 40 के ऊपर है छात्र उनकी 8 मिनट में 1600 मीटर रेस, 12 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच हाई जंप उनकी जो है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब देखिएगा बात की गई, अब तो मैंने बात की अब तक की मेल कैंडिडेटों की, अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेटों की जो गर्ल्स हैं उनके लिए बात की जा रही है। 10+2 उनके भी लिए होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उनके लिए 18 से 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, वही सब है, 5 वर्ष की छूट और 3 वर्ष की छूट यहाँ पर सभी कुछ दिया रखा है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है, और छात्रों जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल का मेजरमेंट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और जो हिल एरिया से बिलोंग करती हैं जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है सभी कुछ एड्रेस, वो 2 सेंटीमीटर की उसमें छूट मिलेगी, यानी 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। एससी और एसटी वाली फीमेल के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट यानी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी की डॉटर यानी किसी की बेटी इसमें जॉब के लिए जा रही तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल के लिए फीमेल के लिए बताया गया है कि 30 वर्ष से नीचे हैं, 30 वर्ष तक हैं तो उनकी 1600 मीटर 8 मिनट में उनको रेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। और लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट। उसके बाद जो 30 से 40 वर्ष की उम्र में फीमेल है उनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी होगी, 9 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच यहाँ पर हाई जंप। 40 वर्ष से जो ऊपर है उनके 10 मिनट में 1600 मीटर, 8 फीट लॉन्ग जंप, 2 फीट 6 इंच यहाँ पर हाई जंप के लिए जो है क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स यहाँ पर फिर उसके बाद बोला गया है मेडिकल होगा, मेल और फीमेल सभी का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो है होने वाला है। तो मेडिकल यहाँ पर देखिएगा टैटू ऑन वेरियस पार्ट्स, यहाँ पर देखिएगा टैटू किस किस जगह नहीं होनी चाहिए वो सभी कुछ यहाँ पर। और बेसिकली देखा जाए तो टैटू जो है किसी भी पार्ट में नहीं होने चाहिए छात्र को, क्योंकि उनको दिक्कत का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, अब देखिएगा फ्रेंड्स एक्स फीमेल जो है, एक्स मेल जो इनकी बात की गई है, ठीक है, अगर कोई है वो एक्स है, ठीक है, तो इसके लिए बात की गई है कांस्टेबल एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेल, एज उनकी 29 वर्ष तक होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम एज 29 से कम ही होनी चाहिए। हाइट उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर बोला गया है, आप देख सकते हैं 11 पास यहाँ पर मांगा गया है फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 29 वर्ष मिनिमम एज, मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 5 वर्ष का इनकी छूट है, इनके लिए 11th यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वही सब कुछ है जो कुछ मैंने बताया था। उसके बाद फॉर्म के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, और दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन पर आप जाइएगा वहाँ पर इसके फॉर्म को मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे, केवल ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। 100 रुपये का चालान रहेगा आपका, आप देख सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका जो है दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम है रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ आपकी आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और आपका कंप्यूटर आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके यहाँ पर होने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। सभी कुछ आपका हाई स्कूल लेवल का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है।
और उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी पर रजिस्टर कर सकते हैं। सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस सभी कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है अगर कोई छात्र चाहता है कि मैं ये पीडीएफ उस छात्र को दूँ तो एक बार कमेंट में अपने जो है ईमेल आईडी को प्रोवाइड करा दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए दे दूँगा, ठीक है, इसको फॉरवर्ड कर दूँगा आपके जो है मेल आईडी पर। आप मेल आईडी नीचे दे दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये था अपडेट और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।